हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओमेगा 3 के बारे में। और आप एक मंथ ओमेगा 3 कंटिन्यू लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। बाकी पूरे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओमेगा 3, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। आपका स्वागत है एनवेस्टी चैनल पर। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है और फैटी एसिड हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, वेस्टिज में भी आपको फ्लैक्स सीड ऑयल की कैप्सूल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप डेली ओमेगा 3 लेते हैं तो आप अपने स्किन की, हेयर की, बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। और एक हेल्दी बॉडी के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 लेने से आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और आपका कार्डियोमस्कुलर हेल्थ भी अच्छा रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। फैट लॉस में आपकी मदद करता है और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी से आपको बचाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होने की वजह से स्किन में ग्लो आता है और काफ़ी हद तक आप पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। प्रीमैच्योर एजिंग को रोकता है। बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, नेल्स को टूटने से रोकता है आपकी, और स्किन की ब्यूटी बढ़ाता है। आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उसे भी ठीक करता है, और बॉडी में सही से ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से बॉडी में कहीं कहीं दर्द बना रहता है जिसे भी आप आराम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 हर एक पर्सन की बॉडी के लिए ज़रूरी है और हमें अपने डेली डाइट में ओमेगा 3 को ज़रूर ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह से कैप्सूल के फॉर्म में ओमेगा 3 अपने डाइट में नहीं लेना चाहते, जैसे कि फ्लैक्स सीड कैप्सूल, फिश कैप्सूल, तो आप डेली 2 चम्मच फ्लैक्स सीड अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, यानी कि अलसी के बीज। और अगर आप लोगों को अलसी के बीज सूट नहीं करते तो आप इसकी जगह चिया सीड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, जैसे सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, सोयाबीन, अखरोट, ब्लूबेरी, इसलिए आपको इन सभी को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी एज 30 के प्लस होती है तो हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ज़रूर ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।